राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फरवरी माह में मेष राशि और लग्न वालों का पूरा माह कैसा रहेगा, साथ ही बताएंगे आपके शुभ दिन कौन से रहेंगे और अशुभ दिन, और वो खास उपाय जिनको करके आप फरवरी माह में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, शुरू करते हैं मेष राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह की चर्चा। यदि ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति देखी जाए तो 5 फरवरी से मंगल दशम भाव मकर राशि में गोचर करेंगे, 11 फरवरी से शुक्र आपके दशम भाव मकर राशि में गोचर करेंगे, 13 फरवरी को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके एकादश भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और गुरु आपके प्रथम भाव में रहेंगे, राहु आपके द्वादश भाव में और केतु आपके छठे भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे, शनि देव भी पूरे महीने आपके एकादश भाव में स्वयं की राशि कुंभ में संचरण करेंगे। गुरु और शनि इस वक्त मार्गीकृत अवस्थाओं में चलायमान है, तो इस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। अब बंधुओं, मेष राशि और लग्न वालों के प्रत्येक भाव के अनुसार फरवरी माह की चर्चा करते हैं। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास का भाव है, आपके व्यक्तित्व मान सम्मान का भाव है। यहाँ पर मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में गुरु पूरे महीने संचरण करेंगे, आपके काम में पिछले दिनों जो अस्थिरता की स्थिति थी अब काम में स्थिरता आएगी। काम काज की जो भागदौड़ आपके पिछले महीने बनी हुई थी अब उस भागदौड़ में भी कमी आएगी। नौकरी और व्यापार में जो बाधाएं चली आ रही थी, रुकावटें चली आ रही थी, इस महीने आपकी ये बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप किसी मीटिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। मेडिकल और आईटी फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस महीने, जो मेष राशि और लग्न वाले हैं, उनको बेहद सफलताएं प्राप्त होंगी। आपका पूरा महीना आत्मविश्वास से भरा रहेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। बंधुओं, अब चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी और आपके परिवार यानी कुटुंब का भाव है। इस भाव की चर्चा करें तो द्वितीय भाव के जो स्वामी है शुक्र, वो आपके दशम भाव में संचरण करेंगे। इस महीने आपको कहीं से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, आपका रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, लेकिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी बात को लेकर क्रोध की स्थिति से बचें। परिवार में भी आप छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद की स्थिति से बच करके रहें। पैतृक संपत्ति का कोई मामला या विवाद परिवार में चल रहा है तो उस मामले में इस महीने आप सोच समझ करके निर्णय लें। बंधुओं, अब बात करते हैं तृतीय भाव की, पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव छोटी यात्राओं का भाव, भाई बहनों का भाव तीसरा होता है। इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है, इसलिए आप व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होकर के आगे बढ़ते रहें। जो भी छोटी छोटी यात्राएं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो, उन यात्राओं से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। भाई बहन और मित्रों के साथ इस महीने सामंजस्य बना करके चलें, छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा ना करें। बंधुओं, अब बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव आपका प्रॉपर्टी का है, जमीन जायदाद वाहन और आपकी माता का भाव है। यदि चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो 13 फरवरी तक प्रॉपर्टी के मामलों में सफलता मिलेगी, क्योंकि 13 फरवरी तक सूर्य जो है वो आपके दशम भाव में रहेंगे, तो यहाँ से सूर्य का सीधा संबंध आपके चतुर्थ भाव से होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है। 13 फरवरी के बाद प्रॉपर्टी के मामलों में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, इस बात को ध्यान रखें। यदि कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो उसके कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। किसी से भी गलत तरीके से इस महीने कमिटमेंट न करें, यानी कि आप कोई भी ऐसा कमिटमेंट, कोई भी ऐसा वचन किसी को न दें, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या कोई डील हो, जिसको आप पूरा न कर पाए। अब बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, संतान प्रेम संबंध और शिक्षा का भाव है, तो संतान पक्ष के रुके हुए कार्य इस महीने पूरे होंगे, विद्यार्थी वर्ग को सफलताएं प्राप्त होंगी। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो लंबे समय के लिए जो निवेश करेंगे उससे आपको लाभ प्राप्त होगा।
विद्यार्थी वर्ग यदि उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं तो वो इस समय फरवरी माह में उच्च शिक्षा की ओर जा सकते हैं, उनको शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं बात करते हैं आपके छठे भाव की। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है। इस महीने मेष राशि और लग्न वालों को हम यही कहेंगे कि आपका धन का आगमन सही रहेगा, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से बचकर रहें जिससे कर्ज की स्थिति ना बने। पैसा अच्छा आएगा तो कोशिश करें कि आप बेकार की चीजों में, भौतिक चीजों में खर्च करने की बजाय यदि आपने कोई लोन या कर्ज ले रखा है तो उसको चुकता करने का प्रयास करें। इस महीने कोई भी आकस्मिक खर्च भी आपके सामने आ सकता है, इसलिए पैसे का समन्वय अच्छी तरह करें। शत्रु पक्ष की बात करें तो इस महीने आप शत्रु पक्ष से सावधान रहें, वाद विवाद की स्थिति से बचें। और यदि रोगों की बात करें तो इस महीने आप त्वचा और नसों संबंधी रोगों से सावधान रहें, त्वचा या नसों संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। बंधुओं अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का गृहस्थ भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। सप्तम भाव की यदि चर्चा करें तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, गृहस्थ पक्ष का आपको सहयोग प्राप्त होगा, गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचार भी मिल सकता है, व्यापार में सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन यदि आप कोई व्यापारिक साझेदारी नहीं करना चाहते हैं तो उसमें जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सोच समझ करके ही व्यापारिक साझेदारी में आगे बढ़ें। बंधुओं बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो इस महीने रिसर्च संबंध से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सफलताएं प्राप्त होंगी, विदेश संबंधी मामले जिनमें आपकी रुकावटें चल रही थी अब उनमें तेजी आएगी, उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन वाहन आप सावधानी पूर्वक चलाएं, तेजी से कोई वाहन न चलाएं, बहुत कंट्रोल लिमिट में वाहन चलाएं, सीट बेल्ट पहन करके रहें, हेलमेट लगा करके ही वाहन चलाएं। अब बंधुओं बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है और उच्च शिक्षा का भाव है। तो इस महीने मेष राशि और लग्न वालों का आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा, उनकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, भाग्य का आपको इस महीने भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपके सामने बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। बंधुओं बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव आपकी आजीविका का भाव है, रोजी रोजगार और पिता का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो आप इस पूरे महीने नौकरी हो या व्यापार, अनुशासित रूप से आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें, भाग दौड़ के साथ सफलता प्राप्त होगी। यानी कि संघर्ष के बाद आलस्य छोड़ करके आप काम करेंगे तो आपको नौकरी और व्यापार दोनों में सफलताएं प्राप्त होंगी। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव में स्वयं की राशि में शनिदेव और 13 फरवरी के बाद सूर्य भी आ जाएंगे तो हर ओर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप धन कमाने का प्रयास न करें, वरना आप कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। जहां भी आपका रुका हुआ धन था वो धन भी प्रयास करने से आपको इस महीने वापस मिल सकता है। आपके जितने भी पुराने रुके हुए काम थे उनमें भी गति आएगी, आपके पुराने रुके हुए काम भी अब उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। बंधुओं बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति की राशि में राहु पूरे महीने संचरण करेंगे। ये भाव आपके व्यय का भाव है, आपके विदेश और कानूनी मामलों का भाव है। तो राहु होने की वजह से, क्योंकि राहु मानसिक अशांति पैदा करते हैं, तो व्यर्थ की चिंताओं और मानसिक भय से आप बच करके रहें, उनको अपने मन पर हावी न होने दें। विदेश संबंधी मामलों में धीमापन रह सकता है लेकिन उनमें सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यर्थ के खर्चे पर इस महीने आप कंट्रोल बना करके रखें, नियंत्रण बना करके रखें। और यदि आपका कोई मामला कानूनी विवाद कोर्ट में चल रहा है तो उस मामले में आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें,
तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार आपका फरवरी माह का मेष राशि और लग्न वालों का राशिफल बताया। अब बंधुओं चर्चा करते हैं आपके शुभ दिनों की। इस महीने 1, 3, 8, 10, 16, 17, 19, 25 और 28 ये तारीख आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं जिनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं अशुभ दिनों की बात करें तो 4, 5, 12, 13, 21, 22 और 23 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। तो इन तारीखों में आप संभल करके आगे बढ़े, किसी भी कार्य में कोई जल्दबाजी न करें। अब बंधुओं बात करते हैं मेष राशि और लग्न वालों को इस महीने क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि उनको बेहद लाभ प्राप्त हो। बंधुओं, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमत साधना करें, हनुमान मंदिर में ध्वजादान करें और गरीबों को बूंदी के लड्डुओं का दान करें, बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद बांटें, तो मेष राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह बेहद उत्तम होगा। तो बंधुओं, ये हमने मेष राशि और लग्न वालों का फरवरी माह का राशिफल बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। बंधुओं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। राधे राधे।